एक बखत की बात है भाई, बड़ी गजब की बात है। एक बखत की बात है भाई, बड़ी गजब की बात है। एक बखत की बात है भाई, बड़ी गजब की बात है। ट्रन ट्रन सिटी बजाकर कंडक्टर भाई आया। चलो 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 मैम नगर चलो। क्यों भाई, क्यों नहीं चढ़ रहे हो? बस में जगह ही कहाँ है। अरे आप अंदर तो जाओ, जगह ही जगह है। अरे जगह नहीं है। अरे चलो। एक ही चक्के में ड्राइवर ने बस को यूं दौड़ाया, बाल बच्चे युवा लड़कों को तो बहुत मजा आया भाई, बहुत मजा आया। किंतु वहीं दो और कुछ को तो ये तनिक भी नहीं बाया। पर क्या करे, बस तो निकल पड़ी अपनी मंजिल की ओर। कंडक्टर आए, बस में व्यवस्था के हेतु चलो खिसको चलो खिसको यूं करके चिल्लाए। तभी एक सज्जन बोल उठे, अब क्या किसी के ऊपर चढ़ जाए। वहीं हाथ जोड़कर मस्ती में कंडक्टर भी सुनाए, अरे पंडित जी ये अपनी तोंद को घर पे रख के आया करो, वरना कल से दो जन का किराया लगेगा। हमसे मस्करी करता है, मैं तुझे श्राप दे दूंगा। उसके दुस्साहस का यही परिणाम बताया। तभी कंडक्टर साहब गंभीर हो गए और धीरे से बोले, अरे वो भी दे देना, लेकिन पहले पिछली बार का बकाया किराया तो दे दो। और फिर से सब जोर जोर से हंसने लगे। तभी मेरे पास बैठे सज्जन मुंह में ठूस ठूस कर गुटखा खा रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था, सच में तो गुटखा उनको खा रहा था। और वो मुझे बोले, अरे भाई साहब क्या बताए, बहुत बुरा हाल है इन प्राइवेट बसों का। मन मनाया किराया वसूलते हैं और सुविधाओं के नाम पे कुछ नहीं, उल्टा भेड़ बकरियों की तरह सवारियां भर लेते हैं, सो अलग। मैं भाई कुछ ना बोला, बस सहमति में अपना सर हिला दिया। इन सबका और बस का रिश्ता ही कुछ ऐसा था, रोज कोसते थे बस को, फिर भी जाना तो उसी में था। छोटे बड़े हो या बूढ़े जवान, हिंदू मुस्लिम या सिख ईसाई, स्कूल कॉलेज के लड़के लड़कियां, सारी सवारी इस बस में समाई। जाने अनजाने में इन सभी ने एक दूजे से रिश्ता बनाया है। कोई सूट बूट चढ़ाए ऑफिस बैग लेके आया है, हाव भाव से लग रहा था कि वो प्रभु से कह रहा हो, हे प्रभु ये किन जानवर के बीच में मुझे फंसाया है। वहीं दूसरी ओर कॉलेज की लड़कियां अपनी ठिठोली में मगन है, लड़के भी उन्हें देख देख के अपने ही मौज में मगन है। इनकी ये आंख मिचोली तोड़ने कंडक्टर साहब आए। हाँ भाई जी कहाँ जाओगे? वहीं जाएंगे जहाँ ये लड़कियाँ जाएंगी। अरे पर बता तो दे बुड़बकिया कहाँ जाएगी? वहीं जाएगी जहाँ ये बस जाएगी। इस बस में कोई अपने देश को लेकर तो कोई परिवार को लेकर चिंतित था, कोई अपने कैरियर को लेकर तो वहीं कोई सरकारी नौकरी को लेकर चिंतित था। फिर भी सब प्रफुल्लित था, मनमीत था, संगीत था, मानो इस बस में पूरा शहर ही चल रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए हुए पता ही नहीं चला कि कब मेरा स्टैंड आ गया। बड़ी मुश्किल से मैं दरवाजे तक पहुंच पाया। एक झटके के साथ बस रुकी, मुझे पीछे से एक धक्का लगा और मुझे पता ही नहीं चला कब मैं बस के बाहर आ गया। अपना सामान संभालते हुए मन में एक ही सवाल आया, हे भगवान कैसे चलेगा। मैंने पीछे मुड़ के जाती हुई बस को देखा तो बस के पीछे लिखा था, ये तो यूं ही चलेगा। उस दिन एक बात समझ आई, कठिनाइयां चाहे हजार हो, बस हो या जिंदगी, तय तुम्हें करना है। टेंशन में रह के जीना है या अलमस्तता से जीना मरना है, या अलमस्तता से जीना मरना है।